नमस्कार, कैसे हैं आप? क्या बहुचर्चित सुशांत सिंह हत्याकांड मामले में मीडिया को नया मसाला मिल गया है? पटना में सुशांत के पिता ने जो FIR दर्ज कराई है, उसमें रिया चक्रवर्ती को मुख्य अभियुक्त बताया गया है। रिया सुशांत की प्रेमिका है और आरोप लगाया जा रहा है कि रिया ने बड़े पैमाने पर सुशांत के अकाउंट से पैसे निकाल लिए। इस पूरे मामले में अब प्रेम है, फरेब है, तिलिस्म है, धोखा है और पैसा है। इन सब में मीडिया को भरपूर TRP मिलता है। निश्चित रूप से ये तमाम चीजें बिकाऊ होगी, लेकिन इन सब के बीच क्या मीडिया का एक वर्ग उस खेल में अब संलिप्त हो जाएगा जिसमें नेपोटिज्म के आरोप से फंसे हुए पूरी फिल्म इंडस्ट्रीज के पूरे बॉलीवुड के घाघ लोगों को बचाने की साजिश रची जाएगी? इस FIR के बाद बड़े पत्रकार रजत शर्मा ने जो एक एपिसोड किया है, उसमें उन्होंने रिया चक्रवर्ती को इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए ये कहा कि सुशांत के पिता के द्वारा दाखिल इस FIR के बाद अब कुछ लोगों को सुशांत के बहाने जो पर्सनल स्कोर सेटल करने का अवसर मिल रहा था वो खत्म हो गया है। रजत शर्मा का इशारा निश्चित रूप से कंगना रनावत जैसी उस वीरांगना लड़की के लिए था जिसने फिल्म इंडस्ट्री से के खिलाफ एक तरह से बगावत की और उस सच को सामने लाया जिसमें पूरी इंडस्ट्रीज में जो नेपोटिज्म है, जिसकी चर्चा होती थी अक्सर पर्दे के बाहर, उसको बेपर्द कर दिया। कंगना रनावत ने एक जो हिम्मत दिखाई, ऐसे ऐसे पत्रकार अब पूरी TV इंडस्ट्रीज वैसे कंगना रनावतों को दबाने की कोशिश करेगी। कंगना ऐसे भी अकेली थी, अब उसकी आवाज़ को दबाना आसान हो जाएगा। कंगना ने अप्रत्यक्ष रूप से फिल्म इंडस्ट्रीज में सलमान खान जैसे लोगों समेत कई लोगों के नाम लिए। अक्सर देखेंगे टेलीविज़न इंडस्ट्रीज में बॉलीवुड का एक बड़ा पैसा होता है, नए नए फिल्म के प्रचार को लेकर के बहुत इन्वेस्टमेंट होता है। तो क्या सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने जो FIR दर्ज कराई है, जिसमें आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि पूरी तरह से मुंबई पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है बिहार पुलिस को, और इस मामले में कई तथ्य सामने आए हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक से लगभग 15 करोड़ रुपए उस दौरान जब लॉकडाउन था सुशांत के अकाउंट से बाहर निकली। सुशांत के पिता के वकील यह सवाल करते हैं कि लॉकडाउन में आखिर इतने पैसे की जरूरत किसे पड़ गई, बावजूद इसके बिहार पुलिस जब मुंबई पहुंची महाराष्ट्र पुलिस मदद नहीं कर रही। नए मामले के सामने आने के बाद भी कंगना रनौत ने कहा है कि इस पूरे मामले में पुलिस और प्रशासन असली अपराधी को बचाना चाहती है। क्या इस पूरी प्रक्रिया में एक बड़ी साजिश अब ये भी रची जा रही है कि कंगना जैसे लोगों की आवाज़ को दबा दी जाए ताकि फिल्म इंडस्ट्रीज में जो नेपोटिज्म है उसे दबाया जा सके? नेपोटिज्म तो टेलीविज़न इंडस्ट्रीज में भी है। तो क्या बड़े बड़े संपादक ये कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के लोगों को बचाया जाए? क्या यही कारण है कि रजत शर्मा जैसे पत्रकार अपने बड़े TV शो आज की बात में सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने जो FIR दर्ज की है, उस FIR के बाद कई चीज़ें अब बिल्कुल आईने की तरह साफ हो गया है? वो कहते हैं कि कुछ लोग सुशांत सिंह राजपूत के बहाने पर्सनल स्कोर सेटल कर रहे थे। वाजिब सी बात है, संभवतः ये कंगना रनावत के लिए कहा जा रहा था, क्योंकि कंगना रनावत, शत्रुघ्न सिन्हा और शेखर सुमन जैसे लोगों ने इस मामले को उठाया है। शेखर सुमन और शत्रुघ्न सिन्हा बिहार से हैं, सुशांत सिंह राजपूत भी बिहार से हैं। ऐसे लोग जिनका पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं होता टेलीविज़न इंडस्ट्रीज़ में ही नहीं, पूरी फिल्म इंडस्ट्रीज़ में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मिनिस्ट्री मीडिया में भी इसके लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो क्या नेपोटिज्म का जो मसला उठा है, जिसमें पूरे बॉलीवुड के कई घाग लोगों को बेपर्द हो जाना था, अब मीडिया का एक वर्ग उन्हें बचाने की बड़ी साजिश रच रहा है जिसमें खान बंधु को बचाया जा सके, भट्ट लोगों को बचाया जा सके जिनका एक तरह से पूरी तरह से कब्जा है फिल्म इंडस्ट्रीज़ में। ये लंबे समय से कि आरोप लगता रहा कि बॉलीवुड में जो पैसा लगता है वो अंडरवर्ल्ड का पैसा लगता है और अंडरवर्ल्ड में उनका दबदबा है, जो चाहते हैं कुछ लोग कि फिल्म इंडस्ट्रीज़ में कौन रहेगा, कौन जाएगा। ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत का करियर जब ऊँचाई पर पहुँच रहा था तो कुछ लोगों ने साजिश रची। क्या सुशांत सिंह राजपूत जैसे तेज तर्रार युवक जिसने 20 साल तक शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाई हासिल की, जो एक
मजबूत हृदय का व्यक्ति माना जा रहा था, जिसके बारे में यह कहा जा रहा था कि वह आत्महत्या कतई कर नहीं सकता, क्या वो सिर्फ एक लड़की के चक्कर में उसने आत्महत्या कर ली अपने करियर की इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद भी, या बात कुछ और थी? इस FIR में ऐसा नहीं कहा जा सकता। सुशांत के पिता के FIR में, जिसमें रिया के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, रिया के ऊपर आरोप गंभीर आरोप नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ इस चीज के लिए सिर्फ रिया ही दोषी है, या फिर इस पूरे मामले में एक बड़ा खेल है? क्या सिर्फ पैसे के लिए सुशांत ने अपनी आत्महत्या कर ली, या फिर आत्महत्या नहीं, उसे मारा गया, और इसके पीछे बॉलीवुड का एक बड़ा गिरोह है जिसे मीडिया का एक वर्ग बचाने की कोशिश कर रहा है? इस पूरे मामले में निश्चित रूप से पूरा मामला बिकाऊ होगा, खूब बिकेगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया, इस पूरे मामले में प्रेम है, फरेब है, और इन सब चीज़ों से बढ़ करके इसमें पैसे का खेल है, ये तमाम चीज़ें बिकाऊ है। लेकिन इस बिकाऊपने में मीडिया की TRP तो जमेगी, लेकिन इस खेल में क्या कंगना जैसे लोगों को हतोत्साहित करने का एक खेल तो नहीं किया जा रहा है? कोई तो बाहर आया बोलने के लिए, कोई तो बाहर आया कि फिल्म इंडस्ट्रीज के कॉकस पर सेंध लगाने के लिए, कोई तो आया जो नेपोटिज्म की आवाज़ को उठाने के लिए, अब ये कह करके कि कुछ लोग सुशांत के बहाने अपना पर्सनल स्कोर कर रहे थे, इस पर्सनल स्कोर से उनका क्या फ़ायदा है? सही मायने में सवाल यह उत्पन्न होता है कि पर्सनल स्कोर हो किसका रहा है? नेपोटिज्म और फिल्म इंडस्ट्रीज़ के अंदर, बॉलीवुड के अंदर जो कोकस की बात कंगना जैसे लोगों ने उठाया है, ज़रूरी इस बात को लेकर के है कि चर्चा का विषय बना रहे, ताकि फिल्म इंडस्ट्रीज पूरे बॉलीवुड की अंदर की गंदगी इस बहाने साफ हो सके। सुशांत वापस तो नहीं आएंगे, लेकिन फिल्म इंडस्ट्रीज इंडियन बॉलीवुड के अंदर जो गंदगी है, जो नेपोटिज्म है, जो कॉकस है, उसकी सेंध मारी बहुत ज़रूरी थी। कंगना ने हिम्मत जुटाई है, उम्मीद की जानी चाहिए कि मीडिया का एक वर्ग कंगना जैसे लोगों को हतोत्साहित नहीं करेगा अपने पर्सनल स्कोर के लिए। बहुत धन्यवाद।